देखिए आज अपने अजमेर शहर में जो है ये डबल डेकर क्रूज का जो है उद्घाटन किया है, तो ये इलेक्ट्रिक है पूरी तरह से, कोई डीजल या पेट्रोल का वो नहीं है इसमें, कि ताकि प्रदूषण फैले, और बायो टॉयलेट वगैरह सब कुछ है इसमें, क्योंकि लोगों को ये था कि भाई गंदगी हुई आने समय, तो ऐसा वहाँ इसमें कुछ भी नहीं है और सब कुछ अच्छा। देश का पहला है ये क्रूज, तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे कार्यकाल में ये क्रूज तैयार हुआ और ये इसका संचालन भी शुरू हो गया है। तो मैं क्रूज के जो ऑनर हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी, और सभी जो सैलानी हैं वो आएंगे तो हमारे निगम की आय भी बढ़ेगी, और क्रूज पहला है तो सभी इसको देखने और इस पर घूमने आएंगे। धन्यवाद। आज ही अजमेर वासियों के लिए बड़ा सुखद क्षण है कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्रूज आज आना सागर के अंदर शुरुआत हुआ। मैं संचालक को और नगर निगम ने जो इसे झील की व्यवस्था देखती है, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर से हमारे यहां अजमेर के अंदर और तीर्थराज पुष्कर में काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, निश्चित रूप से उनको सुविधा मिलेगी और एक नया एडवेंचर मिलेगा जिससे हमारे पर्यटक में बड़ा फायदा जाएगा। आज इस नवरात्रि में अजमेर का ऐतिहासिक क्षण है, जिस दिन अजमेर को एक ऐसी सौगात मिली है जो इस समय देश भर में कहीं भी नहीं है। यहाँ के अन्ना सागर में जो इलेक्ट्रिक क्रूज़र का आज शुभारम्भ हुआ है, निश्चित हमारे लिए ये गर्व का विषय है, और इससे पर्यटन भी बढ़ेंगे और अजमेर में भी पर्यटन की दृष्टि से ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें जब एक पर्यटन बढ़ता है तो उसके यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती है, उस दृष्टि से ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनके जिन्होंने शुभारंभ किया है ऐसे जेपी दधीच और उनकी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। कुछ लोगों ने ज़रूर माननीयों ने इसके लिए कुछ अनर्गल प्रचार किया कि इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा।